वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग फ्रेंड्स। आज मैं ये बड़ी ही ब्यूटीफुल सी वाइन लेकर आया हूँ और इसको कहते हैं गार्लिक वाइन। बहुत ही इजी गोइंग वाइन है। इसके फनल शेप के जो फ्लावर्स होते हैं ये पर्पल और लैवेंडर के शेड्स में होते हैं, और डार्क और लाइट कलर के इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये बड़े ही ब्यूटीफुल लगते हैं डिफरेंट शेड्स में। जैसे जैसे ये ग्रो होते जाते हैं इसके फ्लावर्स, वैसे वैसे इसका जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट लैवेंडर कलर का हो जाता है, तो बड़े ही ब्यूटीफुल शेड्स लगते हैं इनके गुच्छों के, कई कलर के बड़े ही ब्यूटीफुल लगते हैं देखने में, और पॉलिनेटर्स को भी ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स इसी के आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा, आपको बताऊँगा इसके सॉइल के बारे में, सनलाइट के बारे में, वाटर, फर्टिलाइज़र और प्रोपगेशन के बारे में बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स सॉइल की अगर बात करूँगा तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। वैसे तो ये अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो किसी भी तरह की सॉइल में ये चल जाता है, लेकिन गमलों में इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा मिट्टी या थोड़ा सा रेत या पललाइट मिलाने से सॉइल जो होगा आपका वेल ड्रेन्ड हो जाएगा। वाटरिंग की बात करूँगा तो फ्रेंड्स इसको वाटरिंग काफ़ी पसंद होती है, स्पेशली गर्मियों में। तो आप इसमें इसको ड्राई ना होने दें, हो सके तो आप इसमें मल्चिंग करें, और मिट्टी अगर ड्राई हो रही तो आप इसको दो बार भी इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। सनलाइट फ्रेंड्स इसको फुल सनलाइट पसंद है, 5 से 7 घंटे की सनलाइट को ये इंजॉय करता है, लेकिन समर सीज़न में आप इसको पार्शियल सन में रख सकते हैं। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स इसको बैलेंस NPK फर्टिलाइज़र पसंद है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको इसको देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये फ्लावरिंग पे आने वाला हो तो उससे कुछ पहले आप इसको बैलेंस NPK का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और एक बार प्लांट में फ्लावरिंग हो गई हो तो उसके बाद भी आप इसको कटिंग प्रूनिंग करके फिर से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो ग्रोथ होती है, ज़्यादातर वाइन्स के जैसे इसकी भी ग्रोथ, इसकी भी जो फ्लावरिंग होती है वो नए ग्रोथ पे होती है, तो अगर आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करेंगे इसकी प्रोपगेशन की फ्रेंड्स, तो बड़े ही इसलिए मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोपगेट हो जाता है कटिंग से। आप इसको स्प्रिंग सीजन में या रेनी सीजन में प्रोपगेट कर सकते हैं इसकी कटिंग से। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इजी गोइंग, एक कॉमन सा वाइन है जो बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है, और बड़ी ईजिली गमलों में या ज़मीन पे सॉइल में चलता रहता है, और लगभग 2 से 3 मीटर तक या उससे कुछ टॉल ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।